नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, विनी कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मकरोनी। मकरोनी तो सब अपने घर पे बनाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही बर्तन में बनाएंगे और वो भी बिना बॉयल्ड किए हुए। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, और मैंने टमाटर, लहसुन और मिर्च को इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको हम पीस लेंगे और बिल्कुल ही इसकी प्यूरी बना लेंगे। इस तरह से देखिए, बिल्कुल टमाटर की प्यूरी। फिर हम लेंगे कुकर, कुकर में बनाएंगे हम लोग। उसमें लेंगे तेल, तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने एक स्पून इसके अंदर तेल का लिया है। अब जब हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, जो मैंने इस तरह से लंबे लंबे काटे हुए हैं। आप चाहो तो इसको छोटे छोटे भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगे। और साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च। गाजर को मैंने क्रश किया हुआ है, आप बारीक भी काट सकते हैं, और शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से बारीक काटा हुआ है। आपको जो जो सब्जियां पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमने टमाटर, लहसुन और मिर्च का, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से इसको भूनेंगे और अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो टमाटर है और जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और उसके बाद हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। आप नमक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी खाते हैं। और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे ऑरिगेनो, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसको इस तरह से 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, मकरोनी। मकरोनी को हम बिना उबाले हुए डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ली है, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी, और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने टमाटो सॉस लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर टमाटो सॉस के भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस इसके अंदर अब मकरोनी ऐड करेंगे हम। मकरोनी देखिए, आप जितने, जिस कप से या आप कटोरी से मकरोनी माप रहे हैं उसी हिसाब से आप उतना ही पानी इसके अंदर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कप मकरोनी ली है, तो मैं इसमें 2.5 कप ही पानी डालूँगी। पानी को कम या ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो मकरोनी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर आप कम डालोगे तो वो कच्ची रह जाएगी। तो जितनी क्वांटिटी में आप मकरोनी ले रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में आपने इसमें पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है। ये देखिए, तो थोड़ा सा मैंने ये टमाटर वाले जार में जहाँ पे पीसा था उसमें से पानी डाल के मैंने ये डाला है, तो 2 कप, और 1/2 कप हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 2.5 कप मकरोनी, 2.5 कप पानी, बराबर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम कुकर का जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे और सिर्फ 1 विसल आने तक इसको पकाएंगे। 1 से ज़्यादा नहीं डलवानी है, नहीं तो वो बहुत ही सोगी हो जाएगी मकरोनी। और 1 विसल, अगर आपके कुकर में जो विसल है वो लंबी आती है तो ही, अगर छोटी छोटी आती हैं कई बार विसल, तो आप उसको 2 भी डलवा सकते हो। देखिए इस तरह से, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला मैगी मसाला। आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं, अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है, किचन किंग है वो भी ऐड कर सकते हैं, वो नहीं है तो आप पास्ता मसाला भी मार्केट से मिल जाता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसको सर्व किया है। खाने में इतनी टेस्टी और इतनी जल्दी बन जाती है ना, पूछिए नहीं। आप एक बार इसको अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।